कंपटीशन हो रहा है इसमें जितने भी अभी सिंगर्स बचे हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी के सब जो उनके उनके जॉनर्स हैं उसमें एकदम माहिर हैं। और मुझे लगता है कि इसमें एक अलग लेवल का कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि सभी को सभी के जो पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट्स है, वो सब लोग नोटिस करके उस तरह से गाने भी चूज़ कर रहे हैं, उस तरह से चल रहे हैं। सो एक अलग सा उसमें फ्लेवर आ रहा है कि सब लोगों का अलग अलग जो एक गाने का जो रंग है देखने मिल रहा है, एंड विच इज़ अमेजिंग। मैथिली को आप सब लोग जानते हो, मैथिली बोलेगी। ये राइजिंग स्टार ही एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें कि टाइम पीरियड बहुत कम है और हर हफ्ते हफ्ते एलिमिनेशन हो रहा है, और इस हफ्ते तो डुएट चैलेंज है, उसमें चार लोग एक साथ बाहर होंगे, तो काफ़ी टफ कंपटीशन है, क्योंकि हम अपने आप को कभी भी रिलैक्स्ड नहीं फील करवा सकते कि नाउ वी आर जस्ट रिलैक्स्ड, वी हैव टू जस्ट फोकस। मतलब कि हमेशा ये है कि हमको प्रिपेयर करते रहना है, वो और टफ होता जा रहा है। तो बहुत एक्साइटमेंट भी है, मज़े भी आ रहे हैं, टेंशन भी है। मैं अपने बारे में कहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं मैंने जो एक क्लासिकल म्यूज़िक जो अपना मिट्टी का जो गाना है, एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, उसको सीखा हुआ है। और लेकिन वक्त के साथ में मैं शायद पता नहीं थोड़ा सा उसमें इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, लेकिन इसको देखता हूँ तो मुझे फिर से याद आ रहा है कि मुझे कुछ उसमें भी करना चाहिए। तो जिस तरह से मैथिली परफॉर्म कर रही है, मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं उस चीज़ को जो है थोड़ा सा और सीरियसली लेके कुछ उसमें कर पाऊँ। तो दैट्स व्हाट हैपनिंग विद द ड्यूएट एक्चुअली। यस, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे पार्टनर बने हैं, क्योंकि इसमें ये है कि मैं अपना 50% अर्न करूँगी और इनका 50%, तो मुझे इनकी तरफ से कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इनका 50% मिलने ही वाला है हमारे परफॉर्मेंस में, और बस मुझे अपनी मेहनत वैसी कंटिन्यू रखनी है ताकि हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल एक ब्लास्ट की तरह हो स्टेज पर, जितना एक्सपेक्ट करें लोग हमसे उतना हम दें। बिल्कुल, ये परसेंटेज में तो सब कुछ जो मॉडल है वो पूरा उसमें ही है, तो अगर जिस तरह से आपको अगर 90 से नीचे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर झांकने की ज़रूरत फिर से पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं हमको और थोड़ी सी मेहनत करनी है और कुछ पुश देना है अपने आप को। तो वो जो चीज़ है परसेंटेज, वो बहुत मायने रखती है। अगर 90 से ऊपर रखते हैं हमेशा तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस बना रहता है अपने अंदर में। मेरे साथ यही होता है, फर्स्ट ऑडिशन में मुझे 94, उसके बाद 93, इस बार 92, तो मैं चाहती हूँ 90s में रहे, मेरा कभी 90 से नीचे ना आए, क्योंकि और मुझे तैयारी करती रहनी है, क्योंकि 90 अबव मुझे हर बार चाहिए ताकि मैं एक कॉन्फिडेंस अंदर बना रहे और हर बार परफॉर्म करने की एक अच्छी सी फीलिंग आए अंदर कि हाँ इस बार भी 90+ आने वाला है। तो कल ऑडियंस वैसे मुझे तो हमेशा क्लासिकल गाते हुए देख रही है, लेकिन इस बार अमय भैया को भी देखेंगे, ये भी फुल क्लासिकल ट्यून में आ चुके हैं और बहुत एक्साइटेड हैं अभी तो कि कल कैसे हम परफॉर्म करने वाले हैं, और ऑडियंस बिल्कुल तैयार रही है क्योंकि अभी एक ब्लास्ट होने वाले स्टेज पर, अमय भैया बिल्कुल अपना पूरा कुछ चेंज इनके अंदर आपको नज़र आएगा, और बस ये, और आप खूब वोट करिए। Sorry.